अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो द लास्ट वन वीडियो जा अली असगर अली शनावर, अभी जस्ट मैंने एक वीडियो वॉच की या अबुल फजल, एंड देन पूरा दिल दिमाग सब कुछ एकदम एक्सचेंज हो चुका है। अब इसमें क्या होने वाला है मुझे नहीं पता, अब वो पता करने के लिए हम चले देखते हैं वीडियो को। सो बात करेंगे लास्ट में। ओए मेरे खुदाया, जाली असगर जाली असगर जाली असगर जाली असगर जाली असगर जाली असगर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। आशूर के दिन अली असगर को मारो रो कर समझाती है तुझे आखिरी जंग लड़ना है। तुझे आज मेरी रखना है, तुझे बाबा संग जाना है, तुझे आखिरी जंग लड़ना है।
तुझे आखिरी जंग लड़ना है। अल्लाह खैर कर मालिक। क्या अल्लाह अल्लाह यार, इमेजिन करो आप, इमेजिन करो, हर एक लफ्ज पे इमेजिन करो, हर एक लफ्ज आपको एक ऐसे मकाम पे ले जाकर छोड़ेगा ना। आह अल्लाह रहम कर, अल्लाह रहम कर। ज़्यादा कुछ मैं डिस्कस नहीं कर रहा, माफ़ी चाहता हूँ पहले से। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह की कसम बहुत ही खूबसूरत और इतना ज़बरदस्त, एक जैसे एक कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, एक समझाने के लिए कि जैसे क्या करिए। एक नन्ना बच्चा, सबसे छोटे अली असगर थे गोद में, मुझे याद आने लग गया था क्योंकि मैं खो गया था लफ्ज़ों में और जस्ट ऐसे फील कर रहा था कि बस वो करबला में इतना सब कुछ जो भी हुआ है, हर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा मजलूमियत या फिर उनके साथ जो जुल्म हुए हैं इस दुनिया में, ना आज तक कभी ऐसा हुआ है, ना आज तक होगा, ना हो पाएगा जितना इनके साथ जुल्म हुआ है जिस तरीके से। तो जस्ट इमेजिन करें कि उस पल में जब मुझे ऐसा याद आ रहा था कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो सबसे छोटे उनके अली असगर थे, उनको गोद में लेके गए थे और उनको तीर लग गई थी, शायद कहीं वही वाकया था। आई एम श्योर कि ये वही है, शायद यस वही है बिल्कुल सही। तो वो वाकया शायद मेरे ख्याल से किसी नोहे में ही मैंने अभी रिसेंटली सुना था, रिएक्ट किया हुआ था उस वीडियो पे। माफ़ कीजिएगा, मुझे जाहिर है कि जो चीज़ है वो मैं फैक्ट रखना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं चीज़ें रहती हैं दिलों में, दिमाग में रहती है, जब आप देखते हो कुछ तो एकदम से सडनली याद आ जाती है कि यार अच्छा हाँ वहाँ वो चीज़ थी, यहाँ बात आई थी, तो उसमें वो बात हो रही है कि अपने अपने बच्चे को वो कैसे समझा रही हैं, बता रही हैं कि जा अली असगर। हालांकि वो उनके उनसे कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन शायद पानी लेने के लिए कि क्या था कि शायद देखकर बच्चे को एक छोटे तो उनको तरस आ जाए और वो पानी दे दे, लेकिन शायद वो तीर लगी थी उनको, अल्लाह रहम करे, बहुत बहुत दर्दनाक था वो शायद नोहा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने, शायद सईद फरहान अली कौन थे, सईद रज़ा जैदी शायद थे, मेरे ख्याल से सईद रज़ा जैदी साहब थे, उनकी वीडियोस पे मैंने रिएक्ट किया हुआ था, जो उन्होंने बयान किया है बहुत खूबसूरत तरीके से किया था,
मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा गाइस। बहुत ही इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियोस थी, अदर लेवल की चीज़ें थी। जो साउंड थी वो आपको एकदम यहाँ टच कर रही थी। एंड जब आप वाकयात को समझते हो, उसको फील करते हो अंदर से, तो आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो। जो वही जोन मेरे अंदर हमेशा से आ जाती है। और अपनी कुछ मशगूलियत है, जहीं कहीं ना कहीं परेशानियाँ भी इंसान की होती है। जब आप अकेले तनहा किसी एक मुल्क में रहते हैं, तो तमाम चीज़ें आपके सर सर चढ़ी रहती है कि ये है वो है। मगर फिर भी अल्लाह के फजल से मुझे ये सारा सब कुछ मेरे गम को हल्का कर देता है, और ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कुछ हुआ होगा मुझे। ऐसा फील होता है, सच बता रहा हूँ। इनके आगे क्या है यार, इंसान की औकात ही। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बस बस। तो द लास्ट थी ये वीडियो, तो ये लास्ट वीडियो थी। मैं इसके बाद मैं अब इंशाल्लाह रेस्ट लूँगा, एंड देन ये सारी वीडियो जब कंप्लीट हो जाती है, अपलोडेड हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो को रिएक्ट करने जाऊँगा, क्योंकि वक्त का बड़ा तकाजा है मेरे लिए। मुझे आज वक्त मिला तो मैंने सोचा कि साथ ही साथ दो सी या तीन वीडियो कर ही लेता हूँ, देख लेता हूँ, क्योंकि ताकि आपको टाइम से टाइम थोड़ी बहुत वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह अब बस ऐसे ही प्यार देते रहें, मोहब्बत करते रहें, दुआओं में याद रखते रहें, और अल्लाह पाक से हमारे लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह हमारी चीज़ों को आसान करें। और ख़ास एक दुआ ज़रूर कीजिएगा, सबसे पहले कुछ करें ना करें, दुनिया में हर चीज़ें फना होने वाली हैं, लेकिन इस दुनिया में फना होकर भी ज़िंदा रहेगी वो ये है कि ज़ियारत करबला, जिसमें हम अब्बास अलैहिस्सलाम की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की, और भी बहुत सारी ज़ियारत हम देखने को शायद नसीब हो जाए हमें, तो उसके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक से। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।